संग्रह खुर्द में आरती एवं मलाह टोली में हुआ रामलीला का उद्घाटन। गांव के विकास के लिए आपसी भाईचारा एवं शिक्षा जरूरी। गढ़वा सदर प्रखंड अंतर्गत संग्रह खुर्द पंचायत के झपहा टोला में मां दुर्गा जी की आरती कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हुए। आरती कार्यक्रम में पहुंचे महर्षि वेदव्यास परिषद विद्युत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि पूजा पाठ हमारे जीवन का हिस्सा है और इसमें आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि मन को स्वच्छ एवं एकाग्रता रखने में बहुत बड़ा आधार है। वहीं दूसरी तरफ विश्रामपुर प्रखंड के मलाह टोली में रामलीला कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन चौधरी जनरल हॉस्पिटल के निदेशक सह डेंटल सर्जन डॉक्टर जूली कुमारी, विश्रामपुर जिला परिषद विजय रविदास एवं महर्षि वेदव्यास परिषद विद्युत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। डॉक्टर जूली कुमारी ने सभी लोगों को नवरात्र एवं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में रामायण, रामचरितमानस एवं रामलीला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। अगर भगवान श्री राम के चरित्र को अवलोकन करते हुए जीवन में उतारा जाए तो जिंदगी काफी सरल हो जाएगी। आज भागदौड़ की जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई तरह की बीमारियां चपेट में ले लेगी। गांव के विकास के लिए आपसी भाईचारा, प्रेम भाव एवं शिक्षा बहुत जरूरी है। जब किसी गांव से कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो सिर्फ घर परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का नाम रोशन करता है और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए सोच को बदलना चाहिए ताकि शिक्षा के लिए अमीरी गरीबी बाधक न बने। वहीं विश्रामपुर जिला पार्षद विजय रविदास ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग करने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि हमने लगातार इस गांव के बेहतरी के लिए चिंतन किया है। इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे बहुत जल्द समाधान करने का प्रयास करूंगा ताकि ग्रामीण एवं मरीजों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो सके। कार्यक्रम में पहुंचे महर्षि वेदव्यास परिषद विद्युत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि रामलीला से पहले पूजा पंडाल में कई दिनों से परमात्मा प्रभु चौधरी रविदास हरिदास जी के द्वारा प्रवचन चल रहा था, जो इसी गांव के ही निवासी हैं। उन्होंने लोगों को अपने विचारों से सभी को हंसाया तो कभी भावुक भी किया। जहां तक रामलीला कार्यक्रम की बात है तो इसमें कई अलग अलग किरदार में गांव के ही कलाकारों ने सबका दिल जीत लिया। मुझे अपने गाँव पर गर्व है कि इस मिट्टी ने हमारे जैसे डॉक्टर, अधिकारी और कलाकारों को जन्म दिया। मन संचालन शिक्षक अमित कुमार सिंह ने किया। मौके पर युवा जागृति सेवा मंच के संस्थापक एवं वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव वचनदेव चौधरी, महर्षि वेदव्यास परिषद के जिला कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, अभियंता प्रदीप चौधरी, बैजनाथ चौधरी, रामाशीष चौधरी, संतोष विश्वकर्मा, अमरनाथ चौधरी, केदार चौधरी, निरंजन कुमार, उमेश चौधरी, बचन चौधरी, विजय चौधरी, कृष्णा कुमार चौधरी, विनय राम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज संग्रह खुर्द पंचायत के झपहा टोला में आरती कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इस अवसर पर मैं तमाम ग्रामीण एवं सदस्यों को अपनी ओर से नवरात्र एवं दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ग्रामीण एवं इस क्षेत्र के लोगों को सुख समृद्धि मिले, इस क्षेत्र का विकास हो और सभी लोग पढ़ लिख कर गाँव से आगे बढ़े ताकि इस गांव और क्षेत्र का नाम रोशन हो। इसके साथ साथ लोगों में प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। सभी लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी सफलता मिलेगी और लोगों का कल्याण भी होगा। जो भी आपसी मतभेद है उसे दूर करना चाहिए और मुझे काफ़ी खुशी होती है, यहाँ पर लगातार कई वर्षों से आते रहा हूँ और कई जगह मुझे जाना पड़ता है।
समय की बाध्यता है, इसके बावजूद भी मैं लोगों से मिलकर काफ़ी खुश रहता हूँ और अच्छा लगता है कि किसी न किसी अवसर पर लोग मुझे बुलाते हैं। मैं उन्हें सादर धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महर्षि देवदास परिषद, मेरे बहुत खुश रहता हूँ।